हाथ फेरा, फिर पुचकारा, कहा अरे बेटा मत रो, क्या हुआ बता तो सही। तब वो बहू ने कहा कि माताजी, मैंने जो आटा रखा था गूंद के, उसमें से एक कौवा आया और चोंच लगा के वो आटा लेके भाग गया। तो सास ने कहा अरे इसमें रोने की क्या बात है बेटा, कोई बात नहीं, दूसरा आटा गूंद लो, उसको फेंक दो। तब बहू ने कहा कि ये बात नहीं है माताजी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, वैसे तो अपने घर में बहुत सारा आटा है, दूसरा गूंद सकती हूं, लेकिन तो फिर क्यों रोती हो? लेकिन मैं इसलिए रो रही हूं कि जब मेरा दादा, हम छोटे थे तब हमें एक कहानी सुनाते थे और दादा हमें कहते थे कि बेटा ये भारतवर्ष में गायों का धन ऐसा रहता है और इस गाय के गोबर का जो खाद हम खेत में डालते हैं और खेत में फसल जो होती है, उस फसल में जो अन्न पैदा होते हैं, उस अन्न में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है बेटा, कि अगर हमने गूंदा हुआ आटा रखा है और किसी पक्षी ने उसमें चोंच लगा दी तो वो चोंच निकाल नहीं सकता है, वो तड़फड़ा के वहां पर मर जाता है लेकिन चोंच नहीं निकाल सकता है। उतना दम रहता था उस आटे में, उस अन्न के उस तत्व में, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि ये तो चोंच में आटा लेके भाग गया। मतलब ये हुआ कि इस आटे में कोई दम, इस आटे में कोई दम नहीं है। हमारे दादा कहते थे, दादाजी ने बताया था कि इतना प्रभावशाली अन्न पैदा होते थे, उससे उसको खाने वाले भी इतने प्रभावशाली पैदा होते थे। माताजी मैं इसलिए रो रही हूं कि इस अन्न में तो कुछ है ही नहीं, आज तो वो कौवा भी लेके भाग गया, कल दूसरा भी लेके भाग जाएगा, मतलब कि इस अन्न में कोई तत्व ही नहीं है, और ऐसा तत्व बिना अन्न हम खा रहे हैं तो हम भी कैसे बच्चे पैदा करेंगे जिसमें कुछ दम ही नहीं होगा, कुछ दम ही नहीं पैदा होगा। मतलब ये है कि आज यज्ञ का विधि विधान जो है, यज्ञ का जो ऊर्जात्मक वातावरण है वो आज नहीं है, क्योंकि गाय भी नहीं रही है। जो गाय थी वो भी भुचड़ खाने में चली गई, कतल खाने में चली गई। आज गायों को कतल खाने भेजा जाता है, काट दिया जाता है। गाय हमारी माता है, फिर भी हम उस माँ को काटते हुए देखते रहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाते हैं। कैसे हमारी माँ बचेगी, कैसे हमारे जीवन में गाय के बिना यज्ञ ही नहीं हो सकता है। गाय का दूध नहीं है, गाय का घी नहीं है तो हम यज्ञ ही नहीं कर पाते हैं। गाय का गोबर नहीं है तो हम यज्ञ ही नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई यज्ञ विधान होता है, जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है, तब गाय का गोबर लाया जाता है, उससे लिपन होता है। गाय का गोबर का लिपन होता है तभी शुद्धता होती है। नहीं रहेगी गाय तो यज्ञ की रक्षा कैसे होगी? यज्ञ नहीं रहेगा तो सात्विक अन्न कैसे पैदा होगे, तत्वशाली अन्न कैसे पैदा होगे? और तात्विक और सात्विक अन्न पैदा नहीं होंगे तो हमारा मन कैसे सात्विक होगा, हमारा अंतःकरण कैसे सात्विक होगा? आज हम बगड़ गए हैं, बिगड़ गए हैं, आज हम भूल चुके हैं, आज हमारा रास्ता भटक चुका है, तो इसका माध्यम है हमारा अन्न बिगड़ गया, हमारा खाना पीना बिगड़ गया, हमारा चिंतन बिगड़ गया और हम रास्ते भटक चुके हैं। इसके लिए हमें इस यज्ञ के प्रभाव को अपने जीवन में लाना है, यज्ञीय ऊर्जा को अपने जीवन में लाना है। हम हर रोज यज्ञ करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? आवाज नहीं आती है। तो यज्ञ का महत्व बताने वाला एक प्रभावशाली यज्ञीय महिमा, पेज नंबर जो ये है ना, यज्ञ का हवन विधि 43, पेज नंबर 43 निकाले, यज्ञ की महिमा गाई गई है। परम पूज्य गुरुदेव ने उस टाइम पे यज्ञ की महिमा बताई थी। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दी। प्रभु हमारे भाव उज्जवल की
क्या नहीं है, क्यारी हम करे निकालो निकालो रोग पीड़ित विष्णु संताप सब हरते हैं। कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नारायण भगवान की। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, हमारे सभी के भाव उज्जवल होना चाहिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। हमारे भीतर में कई सारे छल कपट हैं, इस छल कपट को मुक्त, छल कपट से हमें मुक्त कर दीजिए, उसे हम छोड़े, हमारा मानसिक बल प्रभावशाली हो। वेद की बोले रुचाए सत्य को धारण करे। सत्य को धारण करना, चाहे किसी भी प्रकार की आपत्ति हमारे सामने क्यों ना आए, किसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हम सत्य को नहीं छोड़े, सत्य को हम धारण करके चलेंगे। वेद की बोले रुचाए सत्य को धारण करे, हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अगर हमने सत्य का पालन करना शुरू कर दिया तो हमारे जीवन में हर्ष और आनंद आ जाएगा, सभी तरह के शोक नाश हो जाएंगे। अश्वमेधादि कर चाहे यज्ञ पर उपकार हो, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। अगर हमने यज्ञ विधान को जीवन में धारण कर लिया, नित्य यज्ञ करने का हमने संकल्प कर लिया, तो बेटा मान लेना निश्चित ही आपका कल्याण ही कल्याण होगा, क्योंकि अथर्ववेद में बताया गया है कि जो नित्य यज्ञ करता है वो संसार का पिता हो सकता है, वो कल्याणकारी हो सकता है। जो कल्याण करता है औरों के लिए, उसका तो कल्याण सुनिश्चित है। समझो, आज से हमें एक नियम लेना है, लोगे कि नहीं लोगे, हैं लेंगे ना, कौन नियम में नियम का पालन करेंगे जरा हाथ उठाओ। जो हम बताया है सुबह में बताया है 15 मिनट, बहुत अच्छी तरह, बहुत धन्यवाद, हाथ रख दे। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उसको नियम नहीं लेना है, सबने उठाया, सबने उठाया हाँ, एक बार फिर जो यहां से नियम आपको बताया जाता है आप लेंगे उसका पालन। जरा हाथ स्ट्रेट रखो ताकि भगवान को भी वो लिखता होगा ना कि किसने किसने नियम लिया है, जरा मैं भी अपनी डायरी में नोट कर लूं। बस धन्यवाद। पहला नियम सुबह में बताया था आपको दीक्षा संस्कार के माध्यम से, 15 मिनट आपको बोलना है,
15 मिनट गायत्री मंत्र की उपासना है ना, समय निकालते रहना शुभ कार्य के लिए। और इस बैठक का नियम है हमें नित्य नित्य यज्ञ करना है, 5 आहुतियां डालनी है, है ना। ये छोटा सा क्रम है, नियम लेना, नियम से जो चलते हैं ना उसका तो भगवान कल्याण ही कल्याण करता है बेटा। नियम से संकल्प से अगर हम चलते हैं ना तो हम में आत्मिक बल बढ़ता है, हमारी आत्मिक शक्तियां बढ़ती है। एक गांव था, सुनो बहुत ध्यान से मजा आएगा। एक गांव था, बोले गायत्री माता की जय। जरा पीछे वाली बहने इधर देखेगी, आपका चेहरा नहीं दिखाई देता है, बाल ही बाल दिखाई देते हैं। जरा इधर देखो, इधर ये आगे वाले पीछे क्यों मुड़ते हैं भाई, इधर देखो। हाँ बस ये चेहरा ऐसा ही रहना चाहिए, जरा टटर बैठ जाए, कमर सीधी करके बैठो। हाँ अब लगता है कि आप बुजुर्ग नहीं है, वरना तो वो 80 साल की बैठती है ना डोसी माँ, वैसे मुंह लबड़ा के कमर झुका के क्यों बैठते, जरा टटार बैठो। आप तो कितने नव, अभी तो आपकी युवानी शुरू हो रही है, जरा टटार बैठो। एक गांव था, उस गांव में कई सारे लोग रहते हैं, उसमें एक युवान दल था, दल था, कई सारे मित्रों का झुंड था। वो मित्र शाम होते सब मिलते थे, एक दूसरे से पूरे दिन की बात शेयर करते थे, लेकिन उसमें एक ऐसा था जो कुछ काम नहीं करता था। सारे मित्र थे वो काम पर जाते थे, शाम को आते थे, सब मित्रों से मिलते थे और पूरे दिन की बात का शेयर करते थे, कुछ बातें चुटकुला सुनाते थे। एक था वो बहुत हरामी था, कामचोर था, वो काम नहीं करता था। कितना बड़ा हो गया, 30 साल का हो गया, उसकी शादी भी कर दी उसके पिता ने, फिर भी वो कुछ काम ही नहीं करता था, वो बाप का कमाया वही खाता था। तो एक बार सारे मित्रों ने सोचा कि यार उसका भी तो कुछ होना चाहिए, अपना मित्र है, कुछ उसका नियम, कुछ कुछ ना कुछ तो नियम लिया उसको होना चाहिए, उसको दो कुछ नियम दो। तब सब मित्रों ने आज फिक्स कर लिया, वो मन में सोच लिया कि आज वो आएगा तो उसको एक नियम लेना पड़ेगा, ऐसा हम सब उसको आग्रह करेंगे। वो आया, थोड़ी बातें हुई, फिर सब मित्रों ने ऐसी बातें निकाली, फिर उसको बोला कि तुझे आज एक नियम लेना ही लेना है, बता कुछ ना कुछ नियम लो। हम सुबह में जल्दी उठते हैं, अपना काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर कमाने जाते हैं, अपने घर परिवार को अच्छे रखते हैं, तू कुछ करता ही नहीं, एक नियम ले, ले लो एक नियम। तब वो सोचने लगा कि पूरे सारे मित्र मुझ पर टूट पड़े हैं, अब तो मुझे आज नियम लेना पड़ेगा। बिना नियम वाला जो आदमी होता है, बिना नियम वाला जो व्यक्ति होता है, उसको कहा गया है कि बिना नाथ का बैल, जो बैल होता है ना उसके नाक में जो नाथ आती है ना, है नथ दिया जाता है, तो वो बराबर रहता है, मर्यादे में रहता है, बंद में रहता है। जिनको नाथ नहीं है वो कौन होता है, अनाथ। जिनको नाथ नहीं है वो कौन होता है, अनाथ। हमें भी अपने अपनी स्वयं की जात को, अपने स्वयं को नाथना पड़ेगा, वरना हम भी अनाथ ही बने रहेंगे। उसको बताया कि तुझको आज नियम लेना है। अरे वो सोचने लगा कि अरे भाई आप सब लोग ऐसे क्यों टूट पड़े हो कि नियम लो नियम लो नियम लो। अच्छा चलो मैं नियम लूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से लूंगा, और एक बात सुन लो, मैं नियम लूंगा आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या नियम लिया है, मैंने क्या संकल्प किया है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मित्रों ने सोचा कि अरे नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नियम तो ले, कुछ संकल्प तो कर। उसने फिर अपने आप अपने हिसाब से संकल्प कर लिया, किसी को बताया नहीं, अच्छा चलो मैं एक संकल्प लेता हूं। उसने संकल्प ले लिया, किसी मित्र ने पूछा अरे कौन सा संकल्प लिया बता तो सही, तो कि नहीं आपको बोला था ना कि मैं बताऊंगा नहीं। उसने किसी मित्र को संकल्प क्या लिया है वो नहीं बताया,
लेकिन उसने संकल्प क्या लिया था मालूम है? वो जहां रहता था उसके सामने एक कुम्हार का घर था। कुम्हार होता है ना जो मटका बनाता है, बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उस कुम्हार का घर था। उस कुम्हार का घर था, वो चाचा जी थे। उस चाचा जी के सर पे बाल नहीं थे, वो गंजे थे। तो उसने नियम लिया था कि उस चाचा का जो गंजा सर है ना, उसको देख के मैं खाऊंगा। वो चाचा को बिना देखे उसकी टाल, टाल बोलते हैं ना हमारे गुजराती में, बोलते हैं टाल, आप बोलते हैं गंजे, टाल भी बोलते हैं, जो बोलते हो, लेकिन उसको देख के मैं खाना खाऊंगा। उसने संकल्प ले लिया, लेकिन ये संकल्प ऐसा था कि किसी को बताया नहीं जाए, कोई बताएगा तो भी कैसा कहेगा, अरे मूर्ख, ऐसा कोई संकल्प होता है? किसी को बताया नहीं, लेकिन उस वो नियम में पक्का था। जब उसको भूख लगती थी तो वो चाचा को बूम लगाता था, अरे चाचा कहाँ गए, और चाचा बोलते थे अरे बताओ भाई क्या है, बस वैसे ही आप दिखाई नहीं दे रहे थे इसलिए आपको बूम लगाई। लेकिन वो बूम लगा के चाचा की टाल देखता था, वो उसका सर देखता था बिना बाल का, वो गंजा था वो देखता था, और फिर खाने को लिए जाता था। लेकिन एक बार, उसका नियम पक्का था, वो नियम से चलता था, एक बार वो मिट्टी लेने के लिए चाचा दूर दूर जंगल में निकल गए थे। 12 बज गया, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, चाचा नहीं आया। अब तो बहुत भूख लग रही थी, उसने उस चाची को जाके पूछा कि चाचा कहाँ गए, दिखाई नहीं देते, चाचा को भूम लगाता हूँ। अरे भाई चाचा तो मिट्टी लेने गए, कब आएंगे, वो तो शाम को आएंगे। अरे शाम को आएंगे, अब तो मुझे रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, कहाँ जाते हैं चाचा मिट्टी लेने के लिए? वो पास वाले जंगल में ही जाते हैं बेटा, तुझे क्या काम है? अब चाची को थोड़ा बताया जाता है कि मैं उसका गंजा सर दिखना चाहता हूँ, मैंने ये नियम लिया है। अगर चाची को ये बताएगा तो चाची क्या कहेगी? उसने सोचा कि अरे चाची को तो ये नहीं बताए जाता है। वो फिर वो जंगल की ओर चल पड़ा, जंगल में गया और चाचा को बूम लगाने लगा, अरे चाचा कहाँ गए, अरे चाचा कहाँ गए। और चाचा वैसे तो मिट्टी लेके जल्दी आ सकता था, लेकिन चाचा जहाँ पर मिट्टी खोद रहा था, उस मिट्टी जहाँ पर निकलती थी, उस मिट्टी को निकालते निकालते अपना जो हथियार था, वो मिट्टी का गड्ढा जब खोदा था, उसमें खनन करती करके आवाज आई, तो उस चाचा ने उस मिट्टी को थोड़ा आसपास करके देखा, तो उसमें बहुत बड़ा चरू निकला था। उस चरू को निकालने के लिए चाचा को थोड़ी देर ज्यादा लगी, और वो ऊपर पावड़ा करता था और नीचे झुकता था, वो मिट्टी खोदता था, और यहाँ पर उस भाई ने बूम लगाई, अरे चाचा, और चाचा जैसे ऊपर हुए तो उसकी टाल दिखाई दी, तो और चाचा ने उसकी आवाज़ भी सुनी, अरे भाई क्या है, मुझे खोजते खोजते यहाँ तक क्यों आ गए? अब कोई बात नहीं चाचा, देख लिया है मैंने, देख लिया है, अब कोई बात नहीं चाचा, अपना काम करो, मैंने देख लिया है। अब चाचा घबरा गए, कर ये चरू निकला, वो उसने देख लिया, अब तो गांव में जाके डंडेरा पिटेगा कि उस चाचा के पास चरू है, चरू है, तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी, वो पुलिस आएगी और ये जो भी मिला है वो सब सरकार में चला जाएगा। उस चाचा ने कहा, अच्छा तूने देख लिया है तो देख लिया है, लेकिन इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, नहीं अब तो मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा, अरे नहीं जाना है घर, इधर आ जा। वो चाचा ने इतना आग्रह किया, वो दौड़ के चाचा के पास आए, चाचा ने कहा कि तूने देख लिया? तो कि हाँ मैंने देख लिया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तूने देख लिया है तो देख लिया, लेकिन देख ये चरू मुझे निकालने में मदद कर, और घर जाके हम दोनों 50-50 कर लेंगे, किसी को बताना नहीं है, किसी को भी मत बताना, हम घर जाके दोनों 50-50 कर लेंगे। चाचा ने जब ये बात बताई तो उसने सोचा कि अब यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, भूख लगी है तो लगे, लेकिन इतना सारा धन मिल रहा है तो एक दिन का उपवास चलेगा, ये तो मेरे नियम का फल है, मेरा संकल्प का फल है, है?
संकल्प लिया था उसका फल मिल रहा है। फिर तो उसने वो चरु निकालने में मदद किया, वो चरु जो गधे के ऊपर लाद दिया, उस पर मिट्टी रख दी, वो दोनों घर पे गए और घर जाके चाचा के घर में जाके उसका आधा आधा हिस्सा दोनों ने कर लिया और पूरा सारा धन लेकर वो अपने घर गया, संभाल के रख दिया। उसमें से थोड़ा धन निकाला, बाजार में जाके बेच दिया और कई सारे चीज अच्छी अच्छी चीज ले आया। फिर तो अपना जो टूटा फूटा घर था उसको भी सुधारना सुवारना शुरू कर दिया। उसने तो दो चार महीने में अपना नया मकान बना दिया, नया फर्नीचर ला दिया, वो सारी सारी चीज सामान घर में आ गई। वो सब मित्र उसे पूछने लगे कि अरे तू कमा तो कुछ नहीं रहा है, वैसे तो कामचोर है और इतना नया मकान बना दिया, घर में नया नया फर्नीचर ले आए और क्या क्या नहीं ले आए, खाना पीना भी तगड़ा तगड़ा हो रहा है। अरे भाई क्या बात है, क्या कमाल हो गई तेरे जीवन में, क्या हुआ? अरे आप लोगों ने तो मुझे संकल्प दिलवाया था, ये सब संकल्प का कमाल है, मैंने तो संकल्प लिया और पूरी ईमानदारी से उसका पालन किया, उसका ये फल है। आपने संकल्प लिया कि नहीं लिया? छोटी सी कहानी है लेकिन हमें कितना सारा सीख दे जाती है, कितना सारा बोध दे जाती है ना, कि अगर छोटा सा संकल्प भी हम अपने नीति से ईमानदारी से अगर हम पालन करें तो ये छोटा सा संकल्प हमें जीवन में कहां से कहां पहुंचा सकता है। हमारा ये संकल्प है। ये जो मैंने बात बताई वो तो रही इस संसार की, इस भौतिक चीजों की बात है, लेकिन हम यहाँ पर बैठकर जो संकल्प कर रहे हैं वो संकल्प तो हमारे आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाला है। ये जो संकल्प था इस दुनिया में हमें कुछ कुछ मिलने वाला है, लेकिन हमारा जो संकल्प है इस आलोक को और परलोक को भी दिव्य बना देगा। हमारा ये संकल्प महान है, हमारा ये संकल्प श्रेष्ठ है। आइए इस बात के साथ यज्ञ विधान को हम थोड़ा सा शुरू करते हैं, मंत्र पढ़ेंगे, पेज नंबर निकालेंगे 14 यज्ञ विधान वाला जो पेज है वो निकालेंगे। अगर आप सब पढ़ते हैं हिंदी पढ़ते हैं ना, तो हमारे साथ साथ ये मंत्रोच्चार आपको करना है। यहां से हम बोलते हैं गुरु ईश वंदना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, साथ में बोलेंगे सब, केवलम ज्ञान मूर्ति द्वैतातीतम गगन सदृश तत्त्वमस्यादि लक्षम एकम नित्यम विमलम से नहीं बोला जाए, बोलेंगे ये बेटिया आपको बोलना है ये मंत्र, फिर से दोहराना है, ओम आवाज बड़ी होनी चाहिए, इतनी सारी संख्या है, फिर से एक साथ शुरू करेंगे, ओम एकं नित्यं विमलं
अच्छी तरह से आपने मंत्र उच्चारण किया। आगे का मंत्र साथ साथ में बोलेंगे, फिर अकेले बोलेंगे। लक्ष्मी मेघा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभा धृति एताभि पाहि तनुभि अष्टाभिर्मा सरस्वती लाइन मिलनी चाहिए। आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से आगे निकलने वाली हो। इस लाइन को अपने गुरुदेव ने आपको दिया है, उसको पकड़ के आप चलोगी तो वास्तव में आपका जीवन बहुत उज्जवल हो सकेगा। आइए आगे का मंत्र हम साथ साथ में बोलेंगे। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु ते